नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश के आसपास के शहर और कस्बे के लोग आकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। इसी कड़ी में अशोका गार्डन सहित कई क्षेत्रों में दिहाड़ी मजदूर किराए से रहते हैं। कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी के 21 दिनों का लॉकडाउन किया हुआ है, तब यह दिहाड़ी मजदूर घबरा गए क्योंकि इनके पास ना तो खाने पीने और ना ही किराए देने का कोई इंतजाम है, इसीलिए यह अपने अपने क्षेत्र में वापस जाना चाहते हैं। अशोका गार्डन थाना प्रभारी सुदेश तिवारी ने बताया कि यहां से करीब 400 से अधिक लोग अपने क्षेत्र में जाने के लिए परमिशन ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि अशोका गार्डन क्षेत्र में ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर और स्टूडेंट हैं। वह अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा से पहुंचना चाहते हैं और इसीलिए अपने घर जाने के लिए उन्होंने हमसे परमिशन ली और अब वह जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हैं? किस चीज़ के चाहते हैं? बस मैं अपने लिए जाऊँ, क्योंकि मेरा काम जो है हरलगा सब्जी मंडी में है जी। वहाँ मैं उसमें तो वहाँ जाना जरूरी है, तो वहाँ एक या दो रोज मंडी लग रही है, उसके लिए मैं परमिशन ले रहा हूँ। इसमें कोई साझी सदस्यों का नाम मैंने लिखा नहीं है। नीलेश बघेल। नीलेश जी, कहाँ जाना चाहते हैं? गांव जाना है, धनिया खेड़ी। तो परमिशन के लिए कुछ लग रहा है? हाँ, आधार कार्ड और ये। और कोई पैसा वगैरह दे रहे हैं क्या ये लोग? नहीं, अभी पैसा तो कुछ नहीं लिए अभी। कितने लोग हैं? हम दो लोग हैं। दो लोग हैं यहाँ पे, चूँकि स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी लेबर रहती है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ है। और हमारे मतलब करीब 4-5 लोग लगे हैं परमानेंट, रात में भी बनाया था और अभी भी इनको पर्याप्त स्ट्रेंथ बनवा के हम लोग कर रहे हैं काम। परमिशन कितने लोगों को दे चुके हैं अभी तक? अभी तक मेरे को लगता है कि करीब 700-800 लोगों की परमिशन हो गई होगी। अभी बाकी और भी कई लोग लगे हुए हैं, उनको भी परमिशन मिल जाएगी। परमिशन तो दे दी जा रही है, लेकिन ये जा कैसे रहे हैं आप बताएं? अब इनका या तो ये स्वयं के साधन से जा रहे हैं, गाड़ी का भी उसमें नोट है, या तो स्वयं के साधन से बाइक से, या कोई उनके भाई वगैरह लेने आ रहे हैं, या महिलाएं हैं, ये भी अपने अपने साधनों से जा रहे हैं। बाकी अपने कुछ लोग गाड़ी करके जा रहे हैं, उनका किराया ज़्यादा लिया जा रहा है, क्या उन पर कार्रवाई? नहीं, अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। गाड़ी करके जा रहे हैं तो अगर उनको लग रहा है किराया ज़्यादा लिया जा रहा है तो हमको बताएं, तो हम उनकी कार्रवाई करेंगे। आगे भी लोगों को परमिशन देंगे अगर ऐसी? हाँ, परमिशन मतलब अगर वही मैंने असल में क्या, ये खुद की अवेयरनेस है, अगर पब्लिक अवेयर है, पब्लिक को ये पता होना चाहिए, बहुत आवश्यक है तो ही जाए, घर से बाहर ना निकले। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना था, तो उनके जो 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 भी नियम है उनका फॉलो करें और ना निकले तो ज़्यादा अच्छा। यहाँ पर भी हिदायत दी जा रही है क्या? बिल्कुल, हम समय समय पर अपने लाउड स्पीकर से उनको हिदायत देते रहते हैं, छाया में खड़े होने के लिए बोलते हैं, पर्याप्त डिस्टेंस बनाने के लिए बोलते हैं, सैनिटाइजर कभी कभी खुद भी देते हैं और उनसे भी कहते हैं कि आप हाथों को करके रखें, पर्याप्त डिस्टेंस बना के रखें। मजदूर हैं ये लोग, दिहाड़ी मजदूर हैं, लेकिन एक गाड़ी में कम से कम 10-10, 15-15 भरा के जा रहे हैं। अब ऐसी मैडम अभी तो शिकायत नहीं आई मेरे पास, अगर कोई शिकायत आएगी तो उसमें हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे, जो भी हमारे रूल हैं उसके अकॉर्डिंग। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।